हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टूडियो में मॉक्सीफोर सीवी 375 टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। मॉक्सीफोर सीवी टैबलेट का मुख्यतः उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन की समस्या दूर करने में यूज किया जाता है। यह एक एंटीबायोटिक टैबलेट है। आइए इस टैबलेट के बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं। ये टैबलेट कैसे काम करती है, कहाँ इस्तेमाल होती है, इस टैबलेट के क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफेक्ट है, इस टैबलेट से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको स्टूडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वेल फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्थ और मेडिसिन से जुड़े वीडियो लाते रहता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते। मैनकाइंड फार्मा कंपनी की ये 10 टैबलेट की स्ट्रिप आपको मेडिकल स्टोर पर 150 रुपये में मिल जाएंगी। दोस्तों बताइए, कीमत समय के साथ कम या ज़्यादा हो सकती है। यह टैबलेट खरीदने के लिए आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होती है। यह डॉक्टर के पर्ची पर मिलने वाली टैबलेट है। बात करते हैं इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट के बारे में। मॉक्सीफोर सीवी 375 टैबलेट में एमोक्सिसिलिन IP 250 mg, लेवोनिनिक एसिड IP 125 mg यह कंटेंट समाविष्ट है। इसमें मौजूद एमोक्सिसिलिन यह एक एंटीबायोटिक ड्रग के क्लास में आता है। यह बैक्टीरिया के सेल वॉल पर हमला करके बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। यह ड्रग सेल वॉल में तैयार होने वाले पेप्टिकोग्लाइकिन को तैयार होने से रोकता है, जो बैक्टीरिया के लिए जरूरी होता है। क्लेवोनिनिक एसिड यह ड्रग बीटा लैक्टमस इनहिबिटर है। क्लेवोनिनिक एसिड एंटीबायोटिक के पावर को खत्म करने वाले एंजाइम को रोकने का काम करता है। बात करते हैं इस टैबलेट के यूजेस के बारे में। डॉक्टर से किन किन समस्याओं में इस्तेमाल कर रहे उस टैबलेट का उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन की समस्या दूर करने में, इसे कान में इन्फेक्शन होने की समस्या दूर करने में, निमोनिया टॉन्सिल की समस्या, इसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर यूज करते हैं, जिसे हम मूत्र मार्ग का इन्फेक्शन कहते हैं। इसे स्किन से जुड़े इन्फेक्शन की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर यूज करते हैं। उस टैबलेट का उपयोग गले का इन्फेक्शन होने की समस्या, जोड़ों में इन्फेक्शन होने की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर यूज करते हैं। इसे साइनस की समस्या में भी डॉक्टर यूज करते हैं। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल एज एंटीबायोटिक के तौर पर करते हैं। इस टैबलेट के अन्य यूज जानने के लिए आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। आपके डॉक्टर उनके अनुभव से इस टैबलेट का इस्तेमाल अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। बात करते हैं इस टैबलेट के डोसेस के बारे में। आप अपनी समस्या अपने डॉक्टर को बताकर इस टैबलेट का डोस उनसे निश्चित कर ले। इसे अपने मन से घर पर न ले। आप इस टैबलेट का इस्तेमाल दिन में 2 बार, सुबह 1 बार और शाम को 1 बार अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार कर सकते हैं। साइड इफेक्ट, इस टैबलेट के इस्तेमाल से होने वाले दुष्परिणाम। अगर आपको इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट एलर्जी है तो आपको पता है कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको पता है कुछ साइड इफेक्ट महसूस हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इस टैबलेट के इस्तेमाल से आपको उल्टी, मितली, दस्त, मुंह में छाले आना, बदन दर्द, सिर दर्द ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रिकॉशन, इस टैबलेट को यूज करते समय सावधानियां। अगर आपको इस टैबलेट के इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट होता है या फिर आपको इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आप इस टैबलेट का यूज न करें। अगर आप पहले से कोई अन्य मेडिसिन टैबलेट इस्तेमाल कर रहे हो तो उसकी सूचना अपने डॉक्टर को अवश्य दें। इस वजह से इस टैबलेट का ड्रग इंट्रैक्शन या ओवरडोज होने की संभावना कम होती है। अगर आपको लीवर या फिर किडनी से जुड़ी कोई अन्य समस्या है तो उसकी सूचना भी अपने डॉक्टर को अवश्य दे और इस टैबलेट का यूज न करें। इस टैबलेट को 8 साल से छोटे बच्चों को न दे। इस टैबलेट के इस्तेमाल के पहले या इस्तेमाल के बाद एल्कोहल का प्रयोग न करें। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और मेडिसिन रिव्यू टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन रिव्यूज मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।